हम लोग सारे सूमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से इधर। अभी तो कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए, कल रात में ही खाए, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है, टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोगों के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। यहाँ से बॉर्डर जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खारकिव होते हुए अगर जाते भी है तो यहाँ से खारकिव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। यहाँ से क्यू जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गाँव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खारकिव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खारकिव से बॉर्डर जाने में। 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां क्यू से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहां से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, ना ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। रेलवे डिस्ट्रॉय है, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टिंग की नहीं है। स्टार्टिंग से हम लोग के लिए अगर कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरनर बच्चे निकले थे, जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। इस डर से इंडियंस एक भी बच्चा नहीं निकला अभी तक, यहां से नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी रशियन बॉर्डर पे। रशिया बॉर्डर ही हम लोग के सिर्फ करीब है। यहां से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा रशिया बॉर्डर पहुंचने में, बट रशिया बॉर्डर पे खड़े करने से नहीं होगी। हम लोग सुमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहां से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहां से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहां से हम लोग जाएंगे, होस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं। कहीं शूट हो जाए, कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए, हमेशा हर आधे घंटे, हर एक घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। इस माइनस टेम्परेचर में आप देख सकते हैं बाहर में कितने माइनस टेम्परेचर है। इस माइनस टेम्परेचर में हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? इतनी सारी गर्ल्स है, ये सिर्फ हमारा थर्ड हॉस्टल है। ये इतने जो गर्ल्स है, ये बॉयज है, सिर्फ थर्ड हॉस्टल के हैं। बाकी फर्स्ट हॉस्टल है, वहां पे 200 बच्चे हैं। बाकी सेकेंड हॉस्टल है, वहां पे 200-250 बच्चे हैं। बाकी सिक्स हॉस्टल है, वहां पे 150-200 बच्चे हैं। टोटल हम लोग 800-900 इंडियंस यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग स्टार्टिंग से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से, यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए, इतने सारे स्टूडेंट्स है बाहर, इतने सारे स्टूडेंट फंसे हुए, हम लोग की हेल्प कीजिए, नहीं तो हम लोग जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज हम लोग के लिए कुछ कीजिए, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। टॉयलेट जाने के लिए नहीं है हम लोग के पास पानी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज मोदी जी हेल्प कीजिए, प्लीज।